हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो दो दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी और अभी भी थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा आवाज में थोड़ा फर्क आ सकता है। तो हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, ओके, जिसका नाम है डीसीएम श्रीराम। नाम पहले आपको बता रहा हूँ क्योंकि नाम देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, बट नाम देख के काम नहीं चलता। काम चलता है कि आप स्टॉक्स किस तरीके से चूज करते हैं, किस तरीके से चूज नहीं करते। तो उसी के बेस पे अगर हम बात करें तो देखिए, इतने आप कुछ दिनों से इतनी सारी वीडियोस बनाई है और हर एक वीडियो में अपने अपने टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स बताए थे सारे के सारे भागते हुए दिखाई दिए। इंडिया मार्ट आपको बताया था, जिस दिन वीडियो बनाई उसके बाद से भागना शुरू किया, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं ईक्लक्स उसी दिन से भागता हुआ नजर आ रहा है, 2900 रुपए तक पहुंच गया है, 3300 तक भी पहुंच जाएगा। एस्टरडीएम ऊपर जा चुका है, यहाँ पर इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, ओके, 6 दिन पहले, 2 दिन से आज अपर सर्किट लगा है और 1 दिन पहले इसने 9% का गेन था। तो इसी तरीके से स्टॉक्स यहाँ पर चूज करते हैं। बिरला सॉफ्ट आपको बताया था कि कैरी ऑन करते जाइए, मैक्स हेल्थ केयर आपको बताया था, तो ये ऐसे शेयर आपको बताते रहते हैं कि आपको पैसे यहाँ पर बनते रहे। तो इसके लिए आप एक काम करिए, यहाँ पर हमारे चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपके पास वीडियो पहुंचे, आप वीडियो को ऑन करें और पूरी वीडियो लास्ट तक देखें और एक लाइक बटन जरूर दबा दें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए स्टॉक चुने जाते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक्स भी बताए जाते हैं, तो ब्रेकआउट स्टॉक आज के दिन भी कहेंगे, तो आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो बना दी जाएगी और दूसरी वीडियोज भी जाके देखिए। सूनर और लेटर अपने जो टारगेट है, अपना अचीवमेंट जो है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, वो पूरी की पूरी हमारी फुलफिल होती हुई दिखाई देती है और वो हम टारगेट अचीव करेंगे। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, एज वेल एज अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर है, आप हमें इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे की बात कर रहे हैं डीसीएम श्रीराम से रिलेटेड, हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक बार दोबारा देखेंगे। बहुत टाइम पहले भी यहाँ पर आपको डीसीएम श्रीराम से रिलेटेड जब इसके रिजल्ट आए थे, उसके बाद मैंने एक आध महीने बाद बनाया था। अभी एक कंसोलिडेशन मोड में ये चल रहा है और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कोई चीज कंसोलिडेशन मोड में चल रही है ना और जब अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है, तो उसमें बिलीव करिए, वो शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर क्लोरोविनाइल एंड सीमेंट इन कोटा राजस्थान एंड ऑफ क्लोर एल्कली इन बरूच। अगर हम बात करें यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेगमेंट में फर्टिलाइजर में, यहाँ पर सीमेंट में एज वेल एज एल्कलीज में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक, अगर हम यहाँ पर देखें, ये पर्टिकुलर कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम करती हुई दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर टेक्सटाइल, शुगर, केमिकल, ओके, इथेनॉल बनाने में भी ये कंपनी काम करती है क्योंकि शुगर आ गए यहाँ पर, पोल्ट्री, फैंस, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर कैपेसिटर्स, ये सारे के सारे इस सेक्टर में। और यहाँ पर देखिए, टेक्सटाइल्स के सेक्टर भाग रहा है, शुगर भाग रहा है, केमिकल भाग रहा है, ओके, और ये मशीन जितनी भी कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये स्टॉक्स भी यहाँ पर अपना काम करते हुए दिखाई देगा। और ये कंपनी ड्रोन बनाने में भी काम कर रही है, तो इस चीज को भी याद रखिए, ड्रोन की कंपनी एक इज टर्की की कंपनी है, उसके साथ इसका टाई अप है, उसके कुछ 40% शेयर इसने खरीद रखे हैं, तो वो भी यहाँ पर ध्यान देखिए। क्लोर विनाइल में 29% रेवेन्यू आता है, क्लोर एल्कलीज की बात करें, कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, प्लास्टिक बिजनेस में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, शुगर बिजनेस में 32% रेवेन्यू आता है इसका, एग्री इनपुट से जो फर्टिलाइजर है 28% का रेवेन्यू आता है, बायोसीड्स एंड ऑल फार्म सॉल्यूशन जिसमें हम पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, सीमेंट से अच्छा सीमेंट पे कंपनी काम करती है, पीवीसी कंपाउंड्स में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी काम करती है, काफी बेहतरीन ये कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों को जानने के लिए ये जाइए इनकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पर जितने भी ये चीजें एक एक करके देखिए, समझिए, समझेंगे तो आपको बिजनेस समझ में आएगा, बिजनेस समझ में आएगा तो पैसा लगाएंगे तो अच्छा खासा पैसा फिर आपको समझ बनता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो देखिए
मिड कैप कंपनी है, 14,986 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप में क्या होता है, ज्यादा गिरावट भी होती है तो ज्यादा तेज भागते भी है शेयर। पीई की बात करें 18 के पीई पे, ज्यादा ना महंगा है ना ज्यादा सस्ता है। आरओसी की बात करें 16, आरओई 15%, एज वेल एज डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 29% का यहाँ पर शेयर, यहाँ पर डेट डेट में इनके मतलब 29% का यहाँ पर डेट ले रखा है। और ये शेयर यहाँ पर देखेंगे तो 1550 रुपये जो इसका हाई प्राइस था वहां से करेक्ट होकर लगभग 950 के आसपास ये शेयर यहाँ पर चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं आपके सामने, बट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ मिड कैप कंपनी है तो बीच बीच में हर्डल्स आते रहते हैं, गिरती रहती है, बट कंपनी ऊपर की तरफ ही जाती रहती है। इस चीज को भी याद रखिए, जब भी इस तरीके की गिरावट आई है थोड़ा सा वेट करना होता है, चीजें यहाँ पर भागती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट आ चुकी है, इसके बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पर इनके रिजल्ट्स देख लीजिए, काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट आया। और इस बार के भी जो रिजल्ट आया है वो देखिए 2145 करोड़ के है, जो कि पिछले 4-5 क्वार्टर से हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 158 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर से आ रहा है, और यहाँ पर पिछले अगर हम बात करें तो 3 क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा रही है। ईयरली बेसिस पे भी बात करें तो कंपनी की ईयरली बेसिस पे देखिए 3519 करोड़ की सेल्स, लगभग 8300 करोड़ की सेल्स में यहाँ पर चेंज हो चुकी है। नेट प्रॉफिट जो 84 करोड़ का था वो लगभग 700-800 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ भी दिखा रही है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट में, कभी भी ऐसा 2011 को छोड़ के ऐसा कोई साल नहीं गया जहाँ पर ये घाटे में हो, कंपनी प्रॉफिट में ही रही है हमेशा। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे 4870 करोड़ के। बोरिंग की बात करें कंपनी का 1400 करोड़ के आसपास की बोरिंग भी है, और 226 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में पैसे लगा रखे, और जब ये यहाँ पर ऐड होंगे तो वैसी बात इनके रेवेन्यू एज वेल एज इनके सेल्स एज वेल एज बात करें प्रॉफिट सब चीज यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें कंपनी का 2100 करोड़ के आसपास का कैश भी है, तो कंपनी का कैश है। कंपनी की बोरिंग की बात करें, कंपनी की बोरिंग थोड़ी यहाँ पर कम होती नजर आ रही है 2150 से 1401। इसके अलावा यहाँ पर इनके रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आरओसी की बात करें 16% का आरओसी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.53% है। FIs ने यहाँ पर देखिए अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, FIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, DIs ने थोड़ी सी बेची है, जो बेची है वो FIs ने खरीद ली है। इसके अलावा पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास लगभग 20% के शेयर है, और 20 में भी अगर देखें तो बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर जो सर्विसेज या होल्डिंग कंपनीज है उन्होंने यहाँ पर 4.5% 3% 7 8 9 अगर बात करें 9 9 9 लगभग 10% के आसपास की होल्डिंग ही पब्लिक के पास है, 10-11% की, बाकी सारी होल्डिंग यहाँ पर अच्छे खासे हाथों में है। तो बड़े लोग होते हैं ना वो ऐसे शेयर को यहाँ पर बेचना नहीं चाहते, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, वेट करने के बाद यहाँ पर ये शेयर इसी तरीके से आपको रिटर्न देता हुआ नजर आता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन कह सकते हैं कि 6 महीने का कंसोलिडेशन लगभग इस कंपनी ने कर लिया है। ओके, और एक कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा ऊपर जाती है, फिर उस नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो उसी फेज में ये कंपनी चलती हुई नजर आ रही है। इसमें बाय ऑन डिप्स करके आप इसमें अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, इस बार के रिजल्ट आ रहे, इस बार के रिजल्ट देखने के बाद इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने बना रखा है 950 के आसपास का। और गिरावट की बात करें तो देखिए शेयर जब गिरना होता है, मार्केट गिरती है तो सारे शेयर गिरते हैं, तो 900 रुपये तक का एज वेल एज यहाँ पर बात करें यहाँ पर 850 रुपीज के आसपास का एक बेहतरीन, तो 100-125 रुपए की यहाँ पर गिरावट भी नजर आती है। ओके, उसके बाद इसके लिए इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिस्क है, बट यहाँ पर रिवॉर्ड की बात करें तो लगभग 30% के आसपास का जो यहाँ पर नजर आता है सीधे यहाँ पर प्रॉफिट नजर आता है कि यहाँ तक शेयर जाना ही है। अगर यहाँ पर 30% के प्रॉफिट आपको 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाते हैं तो हमारे जो टारगेट होते हैं ना कि साल का 40% का टारगेट, साल का 50% या 60% तक का टारगेट वो हमें मिल जाए, तो ऑब्वियसली बात है आप थोड़े से पैसों में करोड़पति बन जाएंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा, स्टॉक चूज करने पड़ेंगे, टाइम पे आपको बेचना भी पड़ेगा और टाइम पे आपको खरीदना भी पड़ेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, शेयर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत भाग भी चुका है, बट
अभी भी कंपनी परफॉर्म कर रही है, और जब तक कंपनी परफॉर्म कर रही है अब और ये शेयर भी चलते रहेंगे। ऑब्वियस तो थोड़ा बहुत ही नीचे आ भी चुका है, ग्रोथ यहाँ पर देख चुके हैं शेयर में, इसी तरीके की गिरावट होती रहती है, बट जितनी भी गिरावट होती है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना। इसके अलावा हमसे कॉन्टैक्ट करना है, पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि और भी बेहतरीन शेयर आपको टाइम पर दिलाया जाए, सेल कराया जाए, फिर दिलाया जाए, फिर सेल कराया जाए, और अच्छा खासा पैसा आपका बनता रहे, और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो भी क्रिएट कराना तो भी करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।